अग्निसार क्रिया करेंगे। इसके बाद इसमें हम दो बंद लगाते हैं, सांस बाहर फेंक देते हैं, इसको ठुड्डी को नहीं सटाएंगे, पेट को अंदर ले जाएंगे और शौच के रास्ते को सिकोड़ करके पेट को हम लोग ऊपर नीचे उसको हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, मसाज करते हैं। एक बार देख लीजिएगा, लोग भी तीन बार करिए, जिसको जितना हिलता है उतना हिलाइएगा। शुरू करिए, हिल गया। लोग दूसरे को हिलाने के चक्कर में पड़े, अपने पहले हिलना है क्या? इसलिए नेता ने बोलता है कि हिला कर फेंक देंगे, लेकिन हिलना क्या, अपने आदमी ने हिल रहा है। इसलिए पेट हिलाइए, शरीर हिलाइए, हाथ हिलाइए, गुड़ हिलाइए, नहीं तो जिस दिन ये सब बंद हो जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। टांगने वाला भी गाली देता है कि कितना दिन से पड़ा हुआ है, इसको जल्दी ले जाओ भगवान उठा कर। तो ये अग्निसार क्रिया है। अग्निसार करने से भीतर की अग्नि प्रदीप्त होती है और जिनको अपच की बीमारी है, जिनको हाइपर एसिडिटी है, जिनको आंतों की समस्याएं हैं, जिनका आंत, इससे आंत भी मजबूत होता है। दूसरा चीज, जिनको भोजन बढ़िया से पच नहीं रहा है, यानी उदर संबंधी, पेट संबंधी सभी भी समस्याओं का निराकरण करता है ये हमारा अग्निसार क्रिया। इसको तीन बार केवल कर लेंगे तो आपका दिन भर का काम हो गया। तो